दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि बिना किसी आईसी या फिर ट्रांजिस्टर का यूज करके आप एक फ्लैशिंग एलईडी लाइट कैसे बना सकते हो। ये देखो, बढ़िया से प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें कुछ चार पांच चीजों की ही जरूरत लगने वाली है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस प्रोजेक्ट की सर्किट डायग्राम भी बताऊंगा, साथ ही कैसे इसे कनेक्ट करते हैं वो भी बताऊंगा। अगर आपको इसे पीसीबी के ऊपर कनेक्ट करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इस रिले के ऊपर कनेक्ट करके दिखाने वाला हूं। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो या फिर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट करना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजिंक्य और आप देख रहे हो ऑटोमेशन ड्यूड। सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स लगने वाले हैं। सो गाइस, ये है रिले, 12 वोल्ट का रिले आपको यूज करना है। शुगर क्यूब रिले बोलते हैं इसे, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसकी परचेसिंग भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। बाय द वे, सारे कंपोनेंट्स की परचेस लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। नेक्स्ट कंपोनेंट दोस्तों हमें लगने वाला है एक कैपेसिटर, ये है 1000 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर। उसके बाद हमें लगेगा एक रेजिस्टर। यहाँ पर दोस्तों मैं 22 ओम्स का रेजिस्टर यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप 82 ओम्स का रेजिस्टर भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों दो एलईडी लाइट्स जो 12 वोल्ट की है। मैं यहाँ पर एक ऑरेंज यूज कर रहा हूँ और एक ब्लू यूज कर रहा हूँ। अगर आपको यूज करना है आप एक रेड और एक ब्लू भी यूज कर सकते हो। एलईडी कलर चॉइस इज कम्प्लीटली योर्स। तो बस इतने ही कंपोनेंट्स दोस्तों हमें लगने वाले हैं। एक आपको 12 वोल्ट का एडाप्टर लगेगा, यानी 12 वोल्ट पावर सप्लाई देने के लिए कोई ना कोई सोर्स लगेगा। सर्किट बनाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी सर्किट डायग्राम। ये है दोस्तों इसकी सर्किट डायग्राम। आप इस वीडियो को आराम से पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। अभी दोस्तों कनेक्शंस करते हैं। कनेक्शंस करना बहुत ही सिंपल है, आप ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो एंड इट विल बी डन। तो गाइस, रिले में टोटल 5 टर्मिनल्स होते हैं, जिसमें से एक होता है NO, एक होता है NC यानी नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज, दो पॉइंट्स होते हैं कॉइल के और एक पॉइंट होता है कॉमन। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले रेजिस्टर को एनो टर्मिनल और कॉइल के एक पॉइंट को कनेक्ट कर लेना है। ये होने के बाद दोस्तों अभी आपको सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप पर ध्यान देना है कि जो हमारा कैपेसिटर है उसका नेगेटिव टर्मिनल आपको कनेक्ट करना है कॉइल के दूसरे एंड पर, जहाँ पर रेजिस्टर कनेक्टेड नहीं है, और जो पॉजिटिव एंड है कैपेसिटर का उसे जहाँ पर रेजिस्टर कनेक्टेड है उस वाले कॉइल के एंड पर कनेक्ट करना है एज शोन इन द वीडियो। ये होने के बाद दोस्तों एक एलईडी स्ट्रिप आपको लेनी है। इस 12 वोल्ट एलईडी स्ट्रिप का नेगेटिव पॉइंट आपको कनेक्ट करना है जहाँ पर कैपेसिटर का नेगेटिव कनेक्टेड है, यानी कॉइल के सेकेंड टर्मिनल पर। पॉजिटिव टर्मिनल आपको कनेक्ट करना है रिले के एनो पॉइंट पर। ये होने के बाद आपको लेना है दूसरा एलईडी स्ट्रिप। सेकेंड एलईडी स्ट्रिप के नेगेटिव को आपको लगाना है जहाँ पर इसके पहले हमने नेगेटिव लगाया, यानी कैपेसिटर वाले नेगेटिव पॉइंट पर, दैट मीन्स कॉइल के सेकेंड पॉइंट पर। उसका पॉजिटिव आपको कनेक्ट करना है दोस्तों NC कॉन्टैक्ट पर, यानी रिले के NC कॉन्टैक्ट पर इस सेकेंड LED स्ट्रिप का पॉजिटिव आपको ज्वाइन करना है। आप देख सकते हो जहाँ पर मैंने कैपेसिटर का नेगेटिव कनेक्ट किया है वहाँ से मैंने एक पॉइंट बाहर निकाल लिया है, दैट विल बी द नेगेटिव फॉर द बैटरी पावर सप्लाई। तो अभी पावर सप्लाई का पॉजिटिव हम कहाँ कनेक्ट करेंगे? सो गाइज, आप देख सकते हो कि रिले में जो कॉमन पॉइंट बचा हुआ है वहाँ पर हमें कनेक्ट करना है बैटरी का पॉजिटिव, यानी 12 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई टू द कॉमन टर्मिनल ऑफ रिले। तो ये सर्किट बेसिकली कंप्लीटेड है, एक बार चेक करके देखते हैं। परफेक्ट। सो सिंपली गाइस, आपने देखा कि बिना किसी आईसी का यूज करके हमने एक एलईडी फ्लैशिंग सर्किट बनाया है। एवरीथिंग इज अबाउट चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। हाँ, बस इस सर्किट का एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें साउंड आएगा, यानी नॉइज आएगा, बिकॉज मैकेनिकल आर्म जो होता है रिले के अंदर वो एनओ एनसी के तरफ मूव होता है कंटिन्यूसली, इसकी वजह से आपको साउंड सुनाई देगा। एंड यू कैन यूटिलाइज दिस सर्किट इन वेरियस काइंड ऑफ एप्लीकेशंस। आप RC प्लेन में भी इस सर्किट को लगा सकते हो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि RC प्लेन हम 11.1 वोल्ट यानी 12.6 वोल्ट वाले बैटरी पर चलाते हैं, सो इन दैट केस ऑल्सो यू कैन यूज दिस सर्किटरी। सो इस सर्किट के बारे में अगर आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी सजेशंस होंगे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। ऐसी कूल वीडियोस के लिए दोस्तों ऑटोमेशन ड्यूड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।